हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में, जो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत भाग दो से। दोस्तों इससे पहले हमारा पार्ट वन आया था, ठीक है, यदि आपने वो पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज आप पहले उसको देखिएगा। पार्ट वन आपको चैनल के प्लेलिस्ट पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पार्ट टू को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट वन में दोस्तों हमने आर्टिकल 44 तक समझ लिया था, अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 45 से लेकर के 51 तक समझ लेते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं, और साथ साथ में हम उसको याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आर्टिकल यहाँ से 45 तक लिख देता हूँ। आर्टिकल 45 हो गया, क्या क्या बातें कही गई हैं आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 48 में। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल हम 48 का भी समझेंगे कि आर्टिकल 48 में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल 48 हो गया, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 और 51 भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या बातें कही गई हैं इसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 45 में, यानी दोस्तों आर्टिकल 45 के तहत राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषाहार जैसे उपबंधों को देगी। मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा, पोषाहार, शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य का प्रबंध करेगी सरकार, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 45 में क्या 6 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए शिक्षा, पोषाहार, स्वास्थ्य की बात कही गई है। फिर आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य दुर्बल वर्ग के जो नागरिक हैं, ठीक है, राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए शिक्षा व उनके अर्थ संबंधी हितों की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 46 में क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए उनकी शिक्षा और अर्थ, मतलब उनके रुपया पैसे, मतलब अर्थव्यवस्था की बात कहां मिलती है देखने को, आर्टिकल 46 में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों आर्टिकल 47 भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह राज्य में रहने वाले नागरिकों को का जीवन स्तर व पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाएगी और लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का ये कर्तव्य होगा, यानी कि नागरिकों का जीवन स्तर और पोषाहार स्तर देखने को हमें मिलता है आर्टिकल 47 में, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल 47 के तहत ही नशीले पदार्थों पर भी रोक की बात कही गई है, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध की बात कही गई है, कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों याद हो गए होंगे आपको, चलिए इसको तीनों को एक बार निकाल कर लेते हैं। 45 में क्या कहा गया दोस्तों, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातें कही गई हैं, और 46 में दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा की बात कही गई है। फिर 47 में क्या है, जीवन स्तर, मतलब नागरिकों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाएगी सरकार, उसका ये कर्तव्य होगा, और नशीले पदार्थों पर क्या करेगी, रोक लगाएगी। आर्टिकल 48 में दोस्तों, आर्टिकल 48 में हमें कृषि व पशुपालन और दुधारू पशु के बध पर रोक की बात कही, के बध पर रोक लगाएगी सरकार, यानी दुधारू पशु के बध पर रोक कौन से आर्टिकल के तहत लगेगा, 48 के तहत, और कृषि पशुपालन की बात कही गई आर्टिकल 48 में।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आर्टिकल 48 भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आर्टिकल 48 का को समझ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। आर्टिकल 48 का है दोस्तों पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण व वन एवं वन्य जीव, वन जीव वन एवं वन्य जीव की रक्षा की बात कही गई है दोस्तों, की रक्षा की बात कही गई है आर्टिकल 48 का में दोस्तों। चलिए दोस्तों आर्टिकल 48 का भी आपको याद हो गया हो। चलिए दोस्तों आर्टिकल 49 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे दोस्तों ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं और स्थानों के संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो इनके संरक्षण की बात हमें कहाँ देखने को मिलती है, आर्टिकल 49 में, मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, महत्व के स्मारक वस्तुएं व स्थानों के संरक्षण की बात कही गई है, संरक्षण की बात कही गई है। जैसे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वगैरह, ये ताजमहल वगैरह हैं और लाल किला हो गया, ये सब की संरक्षण की बात कहाँ कही गई, आर्टिकल 49 में कही गई है। क्लियर दोस्तों। फिर आर्टिकल 50 को पढ़ लेते हैं। इस आर्टिकल 50 के तहत दोस्तों न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथककरण है। क्या है दोस्तों, पृथककरण मतलब अलगाव है। न्यायपालिका व कार्यपालिका, कार्यपालिका का पृथककरण, पृथककरण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथककरण आर्टिकल 50 के तहत हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 51 को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 51 में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब समझते हैं इसको याद करने का क्रम क्या है, ठीक है, और ये कैसे हम इनको याद हमेशा के लिए रख सकते हैं, तो किस क्रम में हम इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अपना थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, आप याद करने का अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको 45 और 46 को एक क्रम से याद कीजिए, मतलब एक साइड से याद कीजिए 45-46 को, ठीक है, इन दोनों को एक साथ याद कीजिए। जैसे आर्टिकल 45 में क्या कहा गया दोस्तों, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की और पोषाहार स्वास्थ्य की बात कही गई। एसटी व अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा की बात कही, यानी दोनों आर्टिकल में क्या है, शिक्षा की बात कही। ये छोटे बच्चों के लिए ऊपर वाला और नीचे वाला क्या, बड़े लोगों के लिए, है ना। तो दोनों को आप, इन दोनों को एक साथ जोड़ के याद कर सकते हो। फिर आपका आता है आर्टिकल 47, 48 और 48 का, ठीक है, और इन तीन को आप एक साइड से याद कर सकते हो, मतलब इन तीन को एक साथ मिला के आप याद कर सकते हैं। तो कैसे याद करेंगे, जैसे यहाँ से दोस्तों हमने नशीला पदार्थ, ठीक है, पर्वों की बात कही गई आर्टिकल 47 में, इसके यहाँ से हमें ये नशीला पदार्थ, अब व्यक्ति क्या करेगा, मतलब जब नशीले पदार्थ पर रोक लगा दी जाएगी आर्टिकल 47 के तहत, तो राज्य के नागरिक क्या, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, और जब सेवन नहीं करेंगे तो उनका पोषाहार स्तर बढ़ेगा और उनका जीवन स्तर भी काफी बढ़ेगा, है ना। जब पोषाहार मतलब शरीर से क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तब यहाँ आर्टिकल 48 को जोड़ दीजिएगा, तब आप वो लोग कृषि करेंगे, और जाहिर सी बात जब कृषि करेंगे तो पशुपालन भी करेंगे, क्योंकि कृषि करने वाला व्यक्ति ज्यादातर क्या, पशुपालन भी करता है, है ना। तो अब पशुपालन कैसा करेंगे, यहाँ से सिर्फ दुधारू पशु शब्द उठाइए, ठीक है, तो कैसे पशु को पालेंगे, जो ज्यादा दूध देते हो, तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। फिर अब जाहिर सी बात जब कृषि करेंगे और पशुओं को पालेंगे, है ना, कौन से पशु को पालेंगे, दुधारू पशु को पालेंगे, तब क्या वो अपने खेतों में पेड़ भी लगाएंगे, तो पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 48 का में हमें क्या, पर्यावरण संरक्षण की बात मिलती है, और
वन्य जीव की रक्षा भी होगी, जिससे खेत जैसे पर्यावरण ज्यादा होगा मतलब पेड़ ज्यादा होंगे तो उनकी रक्षा की भी बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे जोड़ के याद कीजिए, हमेशा के लिए याद होंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 को आप अलग से याद कीजिए। आर्टिकल 49 में का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की बात कही गई है और वस्तु राष्ट्रीय महत्व के वस्तुएं जितनी भी है स्थान है उनके संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व जितने स्मारक हैं उनके उनका संरक्षण की बात कही गई है। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 50। इस आर्टिकल 50 के तहत दोस्तों न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण देखने को मिलता है, यानी दोस्तों अलगाव को देखने मिलता है, पृथक्करण अलगाव को देखने को मिलता है। मतलब क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, विपक्ष हैं। यदि कार्यपालिका कोई असंवैधानिक कार्य करती है तो न्यायपालिका क्या उससे जवाब मांग लेती है, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 51। अब ये आप पढ़ते पढ़ते बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया होगा, तो आप माइंड को क्या करते हैं, हम शांत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात कही। तो देखो कितना अच्छे से हमने इसको समझ लिया, कैसे याद होगा उसको भी समझा। चलिए दोस्तों, तो उन आर्टिकल को समझ लेते हैं जो भाग 4 में तो नहीं है, यानी कि राजकीय नीति सिद्धांत में तो नहीं है, लेकिन क्या आर्टिकल जो दिए हुए हैं इस भाग 4 में उन्हीं तरह कार्य करते हैं। तो आर्टिकल हमें 350 देखने को मिलता है, अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनके प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मातृभाषा में शिक्षा शिक्षा का प्रावधान में आर्टिकल 350 में देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद 351 में राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को प्रोत्साहन करेंगे या हिंदी को प्रोत्साहन देने का बात कहेंगे, हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। तो आर्टिकल 351 क्या कहा गया दोस्तों, हिंदी को प्रोत्साहन देगी राज्य की सरकार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये इससे जुड़े हुए आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे इसके बारे में थोड़ा हम मौलिक कर्तव्य को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जैसा कि हम एक नजर डाल लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था, हमारा संविधान के स्रोत से जब वीडियोस आया था, यदि आपने नहीं देखा तो देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। कहां से लिए गए दोस्तों, रूस से लिए गए हैं, और इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसको आर्टिकल 51 का में रखा गया। वर्तमान में दोस्तों हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इससे पहले 10 थे। जब मूल संविधान लागू हुआ था तब हमारे मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। ठीक है दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं उनके पेरेंट्स, मतलब उनके माता पिता, उनका ये कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब इसी पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत जो नया अगला चैप्टर है, मिलते हैं उस चैप्टर में, उस वीडियो में। तब तक दोस्तों इस वीडियो से विदा लेते हैं और अच्छे चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस प्रकार की वीडियोस पसंद करते हैं। आपका जो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप हमें वो टॉपिक भी बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक दोस्तों लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।